हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बन जा रहे हैं लिट्टी चोखा। इसके लिए चाहिए हमें ज्वाइन मंगरेल, लहसुन, कटी मिर्च, धनिया, कटे प्याज, नमक, नींबू और कटे अदरक। लेंगे थोड़ा सा सत्तू और हमें आटे को ऐसे गूंद लेना है। हमें रोटी की तरह आटे को नहीं गूंदना है, उससे इस आटे को थोड़ा कड़ा रखना है, तो इससे आपकी ये जो लिट्टी है वो बहुत क्रिस्पी बनेगी। अब हम सब कुछ को इसमें मिक्स कर लेंगे डाल के, इसको अच्छे से मिला के डालेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। अपने हिसाब के अनुसार आप डाल सकते हैं जैसा आपको चाहिए, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। कुछ इस तरह आपका बैटर लगेगा। अब हम आटे को गोल गोल कर लेंगे और इसको इस तरह बनाएंगे, और इसमें हम सत्तू डालेंगे और इसको गोल गोल घुमाते रहेंगे और उसे हम लिट्टी की तरह बना लेंगे गोल गोल। आप किसी भी डिज़ाइन का इसे बना सकते हैं। यह बिहार और झारखंड में खाए जाने वाली डिश है, लेकिन यूपी के भी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। इसे आग पे बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें आग जलानी होगी। तो आपके अगर आपके घर इसकी सुविधा नहीं है तो आप गैस पे भी स्टैंड रख के इसे बना सकते हैं। हम अपने लिट्टी को इसमें डाल देंगे। देखिए, आग पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब इसको अच्छे से सेकेंगे जब तक ये फट ना जाए। देखिए, कुछ इस तरह आपका जब हो जाएगा तो आपको समझ लेना है कि ये पक चुका है। अब लिट्टी को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। आप इसमें घी भी लगा सकते हैं या फिर आप इसमें बटर भी लगा के खा सकते हैं। सबको अच्छे से आप इसमें लगा दीजिए। में अच्छे से इसे लगा दीजिए और इसे अच्छे से सर्व करिए। बहुत लोग पसंद करते हैं इस चीज़ को, बहुत अच्छे से खाते हैं, बहुत ही खाने में बहुत टेस्टी लगता है। देखिए, हमारा लिट्टी कितना क्रिस्पी बना है, एकदम पतला, खाने में बहुत टेस्टी लगता है।